ज्यादा आकर्षित है और लोग ज्यादा से ज्यादा वोट देने का काम भी कर रहे हैं। ये सीट कोई पुरानी आपके लिए नहीं है, पिछली दो बार आपके पिताजी विधायक थे, अब आपको ये मौका मिला, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जी, उपचुनाव का ये महारण और एक महारण में आज मतदान का दिन है, हमारे साथ में बीजेपी के उम्मीदवार किशन मिर्जा जी हैं जो आज मतदान के लिए आए। सबसे पहले तो क्या कहेंगे, आपने लगातार 1 तारीख के ऐलान के बाद 26 तारीख तक प्रचार था, आज आपने मतदान किया, माता जी के साथ आप यहाँ पर आए। देखिए, लोगों का जो जन समूह है वो उमड़ रहा है और मैं अपनी माता के साथ आया हूँ क्योंकि मेरे लिए सर्वप्रिय माँ है, चाहे माँ भगवती हो, चाहे मेरी जन्मदात्री हो, चाहे जगतदात्री हो, तो माँ के बिना हम कुछ नहीं करते और माँ से ही सारी प्रेरणा मिली और मुझे विश्वास है कि माँ के आशीर्वाद से और लोगों के प्यार से ही ये सीट निकाल कर माननीय मुख्यमंत्री जी की झोली में डालने का काम करेंगे। ये सीट आपके लिए नहीं है, पिछली दो बार बात करें आपके पिताजी हरिचंद मिर्जा जी जो यहाँ से विधायक थे, उनके निधन के बाद आपको इस रण में उतरना पड़ा, तो क्या ऐसे कोई मुद्दे रहे, ऐसे एजेंडे रहे जिनको लेकर के आपको? विकास ने मेन महत्व लिया क्योंकि 4 साल पीछे चले गए, जींद में कोई विकास नाम की कोई चिड़िया भी पर नहीं मारती है, विकास कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है और जो पारदर्शिता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी नौकरी देने का काम किया, इसने तो सबसे सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए, लोगों का एक रुझान हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, तो इसलिए ये सीट निकाल कर जो इनके पिता जो है लगातार दो बार विधायक रहे थे, अब उम्मीद लोगों की जो उम्मीद थी आपने किस तरीके से देखी इनके साथ वो जुड़ा हुआ? बहुत प्यार दे रहे, तो देख सकते किसी मीडिया।